नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों राजस्थान का स्थापत्य कला से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियों में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है वो है राजस्थान की हवेलियों का विकास कब हुआ। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान की हवेलियों का विकास से संबंधित अगर कोई फैक्ट आए तो आपका उत्तर रहेगा 17वीं से 18वीं शताब्दी। एक फैक्ट तो यह आपको याद करना है, और दूसरा ये कि राजस्थान में सर्वाधिक जो हवेलियां हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, सिकावटी क्षेत्र में बनी हुई है। ठीक है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट, सिकावटी में एक क्षेत्र है नवलगढ़, जिसे कहा जाता है साथियों सिकावटी की स्वर्ण नगरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन शुरू करते हैं। मुझे लगता है इस कक्षा में एक सार, छोटा सा सार रूप में मैं यहाँ पर पेश कर दिया है प्रत्येक छतरी, ताकि किसी भी एग्जाम से कोई छतरी बाहर नहीं जाए। आशा करूंगा कि आपको मैं ये पूरी तरह से याद करवा दूँ। सबसे पहले साथियों हम शुरू करते हैं, यानी कि एक नंबर यहाँ चूरू से लेंगे हम लोग। चूरू, चूरू में सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर कौन सी छतरी है, सॉरी हवेली है, सुराणा की हवेली, सुराणा की हवेली। ठीक है, सुराणा की हवेली 6 मंजिला है, 1100 यहाँ पर खिड़कियां हुए हैं, झरोके हैं इसके। मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है साथियों, ये भी चूरू में है। और दामचंद चोपड़ा की हवेली की चर्चा करेंगे, ये भी कहाँ पर है, चूरू में है। और माल जी का जो कमरा है वो भी कहाँ पर है साथियों, चूरू में है, ये भी ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे साथियों किसमें, झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां हैं। झुंझुनू में सबसे प्रसिद्ध हवेली है भगतों की हवेली। ठीक है, भगतों से हवेली से ज्यादा प्रसिद्ध है महनसर की हवेली। महनसर, सोने चांदी की हवेलियां इसे कहा जाता है, सोने या चांदी की हवेलियां महनसर की हवेली। और गोयनका की हवेली भी प्रसिद्ध है, उससे भी प्रसिद्ध है ईश्वरदास मोदी की हवेली। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ईश्वरदास मोदी की हवेली है झुंझुनू में। ठीक है, और अगर अपन चर्चा करेंगे साथियों पोदारों की हवेली, ये उससे भी फेमस है पोदारों की हवेली। ये हवेली साथियों नवलगढ़ में है, और नवलगढ़ को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है नवलगढ़, तो ये बात आप लोग याद कर लेना नवलगढ़, और नवलगढ़ को क्या कहा जाता है, सिकावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों के, आसान है। और कुछ यहाँ और भी है, जैसे नाथुराम पोदार की बिसाऊ में है, मुरारका की छतरियां भी है, मुरारका की हवेलियां, खुर्रेदार चबूतरों की हवेली, और गोविंद राम सेक्सरिया की हवेली, और रिंगसियों की जो हवेली है ये भी कहाँ पर है, रिंगसियों की दो चौक हवेली, ये भी आपकी झुंझुनू में। ठीक है, सारी हवेलियां। अब देखिए सिक्कर में पंसारी की हवेली बहुत ही फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है ये पंसारी की हवेली। उसके बाद बिनाणियों की हवेली, पंसारी की हवेली कहाँ है, श्री माधोपुर सिक्कर में, और बिनाणियों की हवेली भी सिक्कर में है, राठी की हवेली भी सिक्कर में, केंडिया की हवेली भी सिक्कर में, और गोयनका सेठों की हवेली भी कहाँ है, सिक्कर में है। ठीक है, अब ले लीजिए किसकी बात करते हैं हम लोग, जयपुर के अंदर कौन कौन सी है। पुरोहित जी की हवेली जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है, पुरोहित जी की, मथुरा वालों की हवेली, पुंडरिक रत्नाकर की हवेली, और चूरसी की हवेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में याद रह जाएगा। और इधर देखिए साथियों, है ना, इसमें जयपुर वाली याद करो तो ऐसे कर लेना कि मथुरा का पुरोहित पुंडरिक को चूर्ण बेचकर जयपुर चला गया। ठीक है, तो जयपुर की है, मथुरा का पुरोहित पुंडरिक को चूर्ण बेचकर जयपुर चला गया, तो चूरसी की, पुंडरिक रत्नाकर की, मथुरा वालों की, और पुरोहित जी की, सारी जयपुर में है। टोंक की हवेली की चर्चा करोगे साथियों, सुनहरी कोठी, कहाँ सुनहरी कोठी, जानते हो सब लोग, सीधा प्रश्न आता है सुनहरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में सुनहरी कोठी हवेली या कोठी आ जाए तो ध्यान रख लेना। ठीक है, अब है कोटा, कोटा की बात करेंगे तो कोटा में है तो बड़े देवता की हवेली साथियों, कौन से है, बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है, कोटा में है। और एक है झाली जी की हवेली, झाला जी या झाली जी की हवेली, और जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह की हवेली भी कहाँ पर है, आपकी कोटा में ही है। अब उसके बाद हम भीलवाड़ा में पहुंच गए साथियों, भीलवाड़ा के अंदर महान स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भाट, जिनका पूरा परिवार केसरी सिंह भाट, प्रताप सिंह भाट, सारा का सारा लगा हुआ था इसमें स्वतंत्रता में, तो केसरी सिंह भाट शाहपुरा। ठीक है, इनकी छत, इनकी जो हवेली कहां पर है, शाहपुरा में है, तो केसरी सिंह भाट भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ की बात करोगे साथियों, तो चित्तौड़गढ़ में महारानी भामाशाह, है ना, प्रताप के सहयोगी, तो भामाशाह सलुंगर ठिकाने की छतरियां हैं जो भी कहां पर है, यानी चित्तौड़ में है। और एक चीज ध्यान रखना साथियों, जयमल व
फत्ता की भी चित्तौड़ में है, आप जानते होंगे इन वीरों को। तो आला व काबरा की हवेली, आला काबरा की हवेली, आला काबरा की, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। अब बात आती है उदयपुर की, तो उदयपुर में साथियों बागोर की क्या है हवेली है, और एक है मोहन सिंह। सारी हवेलियां हैं भाई साहब, सिर्फ कोई छतरी नाम आ रहा है ध्यान रख लेना, ठीक है। और बागोर की हवेली, मोहन सिंह या मोहन जी की हवेली, बापना की हवेली और पिपलिया की हवेली, ये सारी कहां पर है साथियों, उदयपुर में है। अब बात करते हैं अजमेर के अंदर, अजमेर में सोनी जी की नसियां, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा कि सोनी जी की नसियां कहां पर है, तो अजमेर में एक महल है और इसे हवेली माना जाता है, तो याद कर लेना। बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है साथियों, जोधपुर की हवेलियां पढ़ रहे हैं, बड़े मियाँ की पाल हवेली बहुत प्रसिद्ध है, एक राखी हवेली यहाँ की प्रसिद्ध है, और एक पच्चीसा हवेली ये भी कहां की है आपकी, यानी जोधपुर की है। और एक पोकरण की हवेली, देखिए पोकरण जैसलमेर में, लेकिन हवेली इसकी कहां पर है, जोधपुर में, ये बात थोड़ा ध्यान रख लेना। पोकरण या पोखरण भी मिलता है इसके। पुष्य हवेली ये भी कहां पर है आपकी साथियों, ये भी आप अगर अपन चर्चा करें तो कहां पर है, जोधपुर में है। और उसके बाद लालटन दद्दा की हवेली और फूलचंद गोलछा की हवेली, ये भी कहां पर आपकी, सारी की सारी हवेलियां ये हैं जो जोधपुर में स्थित हैं। अब बात आती है जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर साथियों पटुओं की हवेली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना। पटुओं की हवेली, एक है सालिम सिंह की हवेली, और वैसे यहाँ पर इसरलाल की हवेली भी है, सोडा की हवेली भी है, राव राजा बरसलपुर की हवेलियां भी प्रसिद्ध है। अब बात आती है साथियों बीकानेर की, बीकानेर की चर्चा हम लोग करेंगे, तो देखिए बीकानेर में सबसे ज्यादा फेमस जो हवेलियां हैं वो है साथियों रामपुरिया की हवेली। कौन सी रामपुरिया की हवेली है, जो यहाँ पर लिख रखी है, मुगल हिंदू यूरोपीय शैली से मिश्रित है। और वैसे मैं एक बात बता दूं, यानी कि हवेलियां ही राजस्थान में ऐसी स्थापत्य कला जो लगभग विशुद्ध रूप से, यानी शुद्ध रूप से क्या है, हिंदू शैली से निर्मित है, एकाद को छोड़कर के, ठीक है। और उसके बाद देखिए मोता हवेली, ये मोता हवेली भी कहाँ पर है साथियों, बीकानेर में है, क्योंकि बीकानेर में मोता धर्मशाला भी आप जानते होंगे, कभी गए होंगे, तो गुलेच्छों की है ना हवेलियां बीकानेर में है, डागा की हवेलियां बीकानेर में है, कोठारिया हवेलियां बीकानेर में है, कोठारिया कोठारी हॉस्पिटल बीकानेर में जानते होंगे, बच्चावतों की हवेलियां भी कहाँ पर है साथियों, बीकानेर में है। तो ये थी आपकी हवेलियां, यानी छोटी सी कक्षा में शायद आप लोग सीखने में कामयाब हुए होंगे, दोबारा देख लेना, एक बार इसे सुन लेना और दूसरी बार इसे आप लोग लिख लेना साथियों। तो ये थी आपकी एक छोटी सी महत्वपूर्ण क्लास, मैं आशा ही नहीं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि आप लोगों को इससे बड़ा ही फायदा हुआ होगा साथियों। तो ठीक है, अब अगली कक्षा में मिलेंगे साथियों, तब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।